हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो V29 फ़ोन में आप लोग रैम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक वीवो V29 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को रैम को इंक्रीज़ करना है गाइस, आपके फ़ोन में जो यहाँ पर रैम को इंक्रीज़ करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन आपको जो है रैम को इंक्रीज़ करना नहीं आता है, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो है रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, रैम एंड स्टोरेज स्पेस का। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला वाला ऑप्शन है गाइस रैम का, तो इस रैम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर से आप लोग अपने रैम को जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। एक्सटेंडेड रैम का एक ऑप्शन होगा, इसको आप लोगों को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है गाइस, तो इस रीस्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपका फ़ोन जो है वो एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब पावर ऑफ होकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो पावर ऑफ होकर ऑन होने के बाद आपका जो रैम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑन होने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा गाइस, वो ऑप्शन जो है आपके फ़ोन में ऑन हो जाता है, ठीक है गाइस। ऑन होने से आपका जो रैम है वो इंक्रीज़ हो जाए, अगर ऑन हो गया है तो आपका रैम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वीवो V29 फ़ोन में आप लोग रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।